गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू वाचिंग अजय ब्लॉग लाइव चैनल। ये जल्दी मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाने जाएगा गाइस, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट वो जरूर दबा लीजिएगा गाइस। ऐसा क्यों करेंगे आप, क्यों सब्सक्राइब करेंगे भाई? क्योंकि गाइस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, चैनल के वीडियोज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बड़े यूनिक वीडियोज बनते हैं और बड़े किफायती और बड़े नॉलेजेबल आई एम सॉरी गाइस वीडियो बनते हैं। गाइस ये प्री डिफाइंड वीडियोज है, आपको खांसी से पता चल गया होगा कि कोई भी कटिंग वटिंग नहीं की गई है। बड़ी स्पॉन्टेनियस वीडियो जो है सो है, कोई कट कोई प्री डिफाइन नहीं, सब कुछ आपके सामने सीधा सिंपल सा अपना जेन्यून है। हम यहाँ पे करेंगे क्या करने वाले भाई साहब, हम नेचुरल गैस का पहले सबसे पहले जो सॉरी क्रूड ऑयल का जो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज है वो हम यहाँ पे करेंगे। नेचुरल गैस का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो क्रूड ऑयल में कौन कौन सी इंटरनेशनल न्यूज आई है क्योंकि पता तो होना चाहिए ना, आप MCX में ट्रेड करो या इंटरनेशनल में। ये देखिए दोनों एक्टिविटी इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करती है, तो भाई साहब इंटरनेशनल न्यूज भी होनी चाहिए, फिर उस न्यूज के सेंटिमेंटल इफेक्ट्स क्या होंगे भाई ये भी पता होना ही चाहिए आपको। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप प्राइस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, फिर टेक्निकल चार्ट भी पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं वो है हमारा क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। गाइस मैंने पहले बोला दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है, आपकी गलती हो या नहीं हो मार्केट में तो बहुत होती रहती है, तो अगर आपको बैक करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जो आपको बैक कर सके, कोई भी चीज ऐसी हो जाए आपके लेकिन उसको हमेशा बैक करने के लिए कोई हो, जैसे होता है ना कि परिवार में इतने सारे लोग होते हैं, परिवार में कोई एक आदमी का बिल्कुल अगर खराब हो जाता है तो दूसरे आदमी उसको बैक कर लेते हैं, तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज हो जाती है, राइट? ठीक है ना, तो इसीलिए ये वाली स्ट्रैटेजीज अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आती है ना जिसकी वजह से सब लोग परेशान होते हैं स्पेशली कमोडिटीज में, वो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बात वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे चाइना की, ये चाइना मेक्स अ बिग मूव टू सिक्योर इराकी ऑयल, व्हाट इज दिस, चलो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। चाइना इज सेट टू टेक ओवर एज द सोल लीड ऑपरेटर ऑफ इराक जेंट्स वेस्ट क्वाना ऑयल फील्ड। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ फटाफट से, जो मेरे नए सब्सक्राइबर है और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है उनके लिए भी बताता हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है। देखो जो इराकी ऑयल है ना, ठीक है ना, चाइना की नजर हर जगह है, चाइना भी क्या कर रहा है बता रहा हूँ, सारा माल लपेट रहा है, रशिया का लपेट लिया, इराक का लपेट लिया, सब लपेट लिया, सब टैंकर में डाल डाल के भाई साहब इकट्ठा कर देता, उसका काम ही यही है। जहां जहां पे यूएस के सैंक्शंस लगे पड़े हुए हैं वो चाइना मानता ही नहीं, पता आपको, बाकी कंट्रीज इंडिया भी थोड़ा बहुत तो मानता ही है, चाइना बिल्कुल ही नहीं मानता। चाइना धड़ल्ले से रशिया में कर रहा है, इसका फायदा उठा रहा है, इराक में कर रहा है जहां पे लोग कर ही नहीं सकते ट्रेड, तो वहां का सारा माल चाइना उठा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात चीज ना, तो ये वाली चीज चल रही है। ठीक है ना, हालांकि लोग बोलते हैं कि चाइना में मार्केट में अभी वो रिकवरी नहीं हुई है, तो भी मैंने पहले ही बोला मार्केट रिकवरी से कोई मतलब नहीं है, चाइना माल उठाता रहेगा, उसके पास रिजर्व इतने सारे गाइस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में रिसेशन चल रहा है क्या चल रहा है, उसके रिजर्व काफी सारे हैं, सो डजंट मैटर, वो बाई करता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे और कोई ऐसा न्यूज नहीं है, देखिए यहाँ पे एक न्यूज में आपको आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो Feb 14 का आर्टिकल है, कल का, लेकिन कल रात का आर्टिकल है। द नेक्स्ट लेग ऑफ द स्पेस रेस इज ऑल अबाउट सोलर पावर। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, नेचुरल गैस का वीडियो हो, क्रूड ऑयल का वीडियो, आपने अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, मैंने हमेशा से बोला है कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आने वाले टाइम में बर्बाद होने वाला है, मतलब उसकी डिमांड बहुत कम होने वाली, क्यों होने वाली है मैंने आपको बताया था, अल्टरनेट एनर्जी, व्हाट इज दिस अल्टरनेट एनर्जी, आपको पता है अल्टरनेट एनर्जी में क्या क्या आता है। All existing subscriber, please raise your hand and say, okay, let me say, solar energy, wind energy, nuclear reactor, fossil fuels, right? Green hydrogen and so on. So there is an article, मैंने कहा था, देखो space हो चुकी है solar power में, market खड़ा कर चुका है, कौन सबसे बड़ा market है अभी यहाँ पे solar और wind का, सबसे बड़ा market है यूरोप का, अमेरिका उसको टक्कर दे रहा है, अमेरिका खुद अपने सोलर वाइन पार्टिकल्स वगैरह सब बना रहा है वहाँ पे, खुद कर रहा है, चाइना को बैंड कर रखा है कोई भी सोलर इक्विपमेंट देने से गाइस, तो ये रेस लगी पड़ी हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन सोलर वाइन जैसी का ही जमाना आ गया गाइस, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस बहुत लिमिटेड रह जाएंगे जो हमारे खाद्य पदार्थों में पेंट वगैरह में या इनमें यूज आते हैं, नेचुरल गैस जो सिलेंडरों में LNG वगैरह या CNG वगैरह के लिए यूज आती है बस, उसके अलावा कहीं पे भी कोई भी काम नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते ही लोग CNG पे भी नहीं जाएंगे फिर, ठीक है ना, अभी सब्सिडी नहीं है, अभी यूरोप में बहुत चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का लेकिन इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन लिथियम की खोज से वो भी यू नो भगवान की शुक्र से पॉसिबल हो पाएगा गाइस। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज एक इंडिकेशन दे रही गाइस कि फ्यूचर में, अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में कोई बात करता है ना गाइस, तो मैं हमेशा से बोला है
मैं आई एम वेरी बीरिश। आप मैंने ये भी बोला, अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर को बता दूं, मैंने 3 महीने पहले बोला था कि ये अब कभी भी 85 करोड़ नहीं कर पाएगा। 3 महीने पहले मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था बेस्ड ऑन माई एनालिसिस कि 85 नहीं जाएगा। जो मैं स्ट्रैटेजी ऑफ जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज करते ना, वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके मैंने एक कन्विक्शन बनाया था कि 3 महीने कभी भी 85 करोड़ नहीं कर पाएगा। और आज देख लीजिए, कभी 85 करोड़ नहीं, मैक्सिमम 83 गया। मैंने बोला था ना 85, मैंने कहा 90 तो है ही नहीं, मार्केट ही नहीं है 90 का, कहाँ से जाएगा भाई। और अभी देखिए गाइस, अगर आप मुझसे पूछे तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में आई एम क्वाइट बेरिश ऑन इट। आई कैन सी अगेन 72-73 के लेवल्स इन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, और मे बी इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव, मे बी विद इन 1 week to 2 months, लाइक इट कैन डेफिनेटली 70 or 72। एंड ऑन एंड ऑल आई एम वेरी वेरी बीरिश अबाउट इट, वेरी वेरी बीरिश। यू नो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई ओपेक प्रोडक्शन मीटिंग भी नहीं आ रही है, किसी तरह का कोई फंडा लग ही नहीं रहा है। सो फिलहाल ये क्या कर रहा है, आपको पता होगा 74.5 से लेके, जो मैंने बोला है 2 महीने पहले कि इसी के बीच में झूलता रहेगा, 74.5 से 82 के बीच में झूलता है, और वो वही हो रहा है। 82 पे फिर पीक पे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर वहां से नीचे से बॉटम से ऊपर बनाता है, फिर नीचे आता है, रेंज बाउंड चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, मैंने देखो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लेवल दिए एजुकेशन पर प्रोस्पेक्टिव से गाइस, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, मैं आपको टेक्निकल चार्ट बता देता हूँ। हमने बोला है कि 77.70 के नीचे यू गोना सी डेफिनेटली आपको 76.90 के लेवल्स तो बहुत आसानी से यहाँ पे मिलते आएंगे। मुझे तो लगता है 76.5 भी आ सकते हैं ऊपर की साइड गाइस। मुझे लगता है कि जब तक ये 79 के ऊपर ना आए, ठीक है ना, मैं एक बार चार्ट बताता हूँ आपको, 1 week का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो 1 week का चार्ट कहाँ आ गया, ठीक है। तो जब तक ये 79 ब्रीच नहीं होता है यहाँ से, तब तक किसी तरह के अपसाइड के लेवल्स नहीं है। सो ऑन एंड ऑल आई वुड से लाइक कि अगर 77.70 ब्रीच होता है तो देर विल बी डेफिनेटली अ बिग डाउनसाइड। आप उसको 77.60 मान लीजिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये 76.5 या 76.9 बेस्ड ऑन योर यू नो दिस इज द रेंज बेसिकली, राइट, यहाँ पे जा सकता है गाइस। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट के बारे में। तो एज यूजुअल अगर मैं यहाँ पे बीरिश हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ गाइस, मैं बीरिश हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने बीरिश ही बोला था, मैं बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ क्रूड ऑयल में। यहाँ पे भी देखिए, हमने बोला था कि 6000, आपको पता होगा, मैं ऑलरेडी हमारे मेंबर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारे चैनल की मार्केटिंग करते हैं, प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि भाई साहब 6480 के नीचे यू गोना सी 6390 के लेवल्स डेफिनेटली। और देखिए अभी ये 6480 नीचे ही जाएगा गाइस, ठीक है ना। अपसाइड में पॉसिबल तभी होगा जब गाइस ये 6580 के ऊपर जाएगा, उससे पहले किसी तरह के अपसाइड के लेवल्स नहीं है। कुछ लोग पूछेंगे सर अगर मान लो ये ब्रीच नहीं करता नीचे के लेवल पे तो क्या ये इस लेवल पे क्या करें, तो ये ब्लाइंड जोन रहेगा गाइस, ठीक है ना। उसमें किसी तरह का कोई भी टेक्निकल चार्ट के बेसिस अगर आप देखें ना तो ट्रेड संभव नहीं है। काफी लोग पूछते हैं सर आप नॉर्मल चार्ट से करते हैं सर, कैंडल स्टिक नहीं। तो गाइस देखिए, नॉर्मल चार्ट करो या कैंडल स्टिक करो, दोनों एक ही है। बट मैंने कैंडलस्टिक को नॉर्मल चार्ट से सिंक्रोनाइज करना सीख लिया है, क्योंकि मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है। अगर मुझे नॉर्मल चार्ट से भी वही देखने में आता जो कैंडलस्टिक में होता है, देन व्हाई शुड आई गो विद दिस कैंडल्स एंड सो रेड लाइन ग्रीन एंड ऑल एंड कंफ्यूज माय माइंड, यू नो। सो दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, राइट। मैं कहीं गया बाहर ट्रिप पे, आई कैन ओपन माय मोबाइल एंड आई कैन सी द नॉर्मल चार्ट एज वेल, राइट। आई डोंट नीड टू गो फॉर द कैंडलस्टिक एंड ड्रॉइंग लाइंस एंड ब्ला ब्ला एमएसडी पैटर्न्स एंड ऑल, नो नथिंग एल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम द चार्ट आल्सो, एज आई सेड, आई ऑलवेज टेक अ कॉम्बो। आप कार खरीदते ना तो आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंजन खरीदने जा रहे हैं, कार का इंजन है या कार खरीद लिया, आप परफेक्ट सारी चीजें देखते हैं कंबाइंड करके आप एक कार खरीदते हैं, 9 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, बेस्ट ऑन योर बजट, राइट। तो यहाँ पे आप यार अपना पैसा लगा रहे हो यार, यहाँ पे क्यों चीजें सिर्फ कैंडलस्टिक देख के लगा लेते हो। स्ट्रैटेजी कौन इंप्लीमेंट करेगा, न्यूज एनालिसिस कौन करेगा, हिस्टोरिकल एनालिसिस कौन करेगा, कॉमन सेंस कौन लगाएगा, जुगाड़ कौन लगाएगा भाई साहब, सीखेगा कौन भाई साहब, कौन करेगा ये, ठीक है ना गाइज। इसीलिए गाइज, और गाइज गोल छोटे छोटे रखिए अपने, वो कहते ना जितने ज्यादा बड़े गोल उतनी बड़ी दुनिया बोल, यू नो, छोटे छोटे गोल्स रखिए ताकि ज्यादा प्रेशर आपके दिमाग पे ना पड़े। वो कहते ना छोटे बच्चों को ज्यादा किताबें दे दे तो उनका दिमाग पे प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए गाइज बी प्रैक्टिकल, राइट, और छोटे छोटे गोल बनाइए और उसके हिसाब से काम करिए गाइस। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा गाइस। जाते थे आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, यहाँ पे किसी भी तरह की बाइसेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेक्रेटरी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें या फिर अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है गाइस। कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज गाइस मार्केट में ना फैलाए, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, कोई भी न्यूज आए उसको जांचे परखे तभी आगे जाके स्प्रेड करें। सो दिस नाइस थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो, बाय बाय।